नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बीकू पर। दोस्तों, आपके लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के हम लेके आए हुए हैं। जो भी ईपीएस 95 पेंशनर पेंशन से अपडेट निकल के आई है, अभी तक का जो भी घटनाक्रम रहा हुआ है उस विषय में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बताएंगे आपको क्या अभी तक का और कौन कौन सी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन धरना होने वाला है जो 27 तारीख को 27 फरवरी को, कौन कौन से मेन स्ट्रीम के मीडियाज ने इसको कवर किया है, जो कुछ भी इसके रिलेटेड अपडेट है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ देने वाले हैं। दोस्तों, सब कुछ अपडेट इस वीडियो के रिगार्डिंग हम आपको देने वाले हैं। ईपीएस 95 के पेंशनर्स की जो मांग है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है और उससे जो भी अपडेट निकल के आ रहा है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम जो भी अपडेट लेके आ सके आपके लिए, जो भी अपडेट आता है, जो भी बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन होती है, जो बिल्कुल जेन्युइन अपडेट होता है, हम वो लेके आते रहते हैं आपके लिए और आपको अपडेट करते रहते हैं कि अभी तक का क्या सिनारियो घटित हुआ है और आगे क्या प्लान है। जो भी अपडेट निकल के आता है वो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप वीडियो को सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सकें। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कुछ अपडेट्स जो हैं। सबसे पहली कड़ी जो निकल के आती है ईपीएस पेंशनर्स का, बता दें आपको कि 7,500 रुपये की मांग है पेंशनर्स की और उसके लिए 27 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ऑफिस तक मार्च और रैली का आयोजन किया जाएगा। अगर उसमें ये भी उसके बाद अगर सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आता है तो फिर 15 मार्च 2019 को देश के विभिन्न भागों में रेल रोको आंदोलन का भी शुरुआत किया जाएगा। रेल रोको आंदोलन है उत्तर भारत के ग्वालियर, पूर्वी भारत के कोलकाता, पश्चिमी भारत के भुसावल और दक्षिण भारत के बेंगलुरु में किया जाएगा। इससे पहले लाखों पेंशनधारक राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति भी मांग चुके हैं। तो इस कड़ी में आपको हम बता सक दिखाना चाहेंगे दोस्तों, जो ईपीएस पेंशनर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर, आप देख सकते हो एक ये जो है प्रोस्पेक्टस से छप चुका है जिसमें मेंशन किया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ हर चीज़, एक अपडेट देता हूँ जो भी अभी तक का घटनाक्रम रहा है, जो भी अपडेट आया है, जो भी सोशल मीडिया पर अपडेट निकले हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो पेंशनर्स पेंशन बढ़ाने का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। ईपीएस 95 पेंशन एजिटेशन कमेटी उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल है, देश के 63 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ अन्याय क्यों, और इसके लिए दिनांक 27 फरवरी 2019 को प्रातः 11 बजे जंतर मंतर पर दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री के निवास तक पैदल मार्च भी किया जाएगा। 7,500 प्लस महंगाई भत्ते से कम नहीं, 2019 में या तो ये सरकार रहेगी या हम नहीं। और ये जो निवेदक हैं आप देख सकते हैं, ओम प्रकाश तिवारी हैं मंडल अध्यक्ष, अमरनाथ महेश्वरी हैं मंडल सचिव और ये समस्त निवेदक जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये एक प्रोस्पेक्ट जो छपा हुआ है ये दिल्ली के जंतर मंतर पर 27 फरवरी को होने वाले जो है ईपीएस पेंशनर्स का विशाल धरना के बारे में दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर अगला एक अपडेट दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसमें कहा गया है कि संघर्ष समिति के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर माननीय कमांडर अशोक रावत जी द्वारा संघर्ष आंदोलन का उद्घोषण दिल्ली में 27/2/2019 को जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री कार्यालय ईपीएस धारकों मोर्चा और एवं 15/3/2019 को रोल रोको आंदोलन दिल्ली के प्रमुख अखबारों में छवि जो खपरे हैं दिल्ली में जो अपडेट निकल के आ रही है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ अब। तो आप देख सकते हैं मैं आपको एक तरफ से यहाँ पर अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि अमर भारतीय संवाददाता में यहाँ पर मेंशन किया गया पेंशन की मांगों को लेकर रैली आयोजन, जो भी मीडिया ने इसको कवर किया मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 योजना पेंशन धारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन जो है 7,500 रुपये करने और इससे महंगाई भत्ते जोड़ने तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने की मुख्य मांगों को लेकर आगामी 27 फरवरी को राजधानी जंतर मंतर एवं पीएमओ तक रैली की जाएगी। तो ये आप देख सकते हो कि सबसे पहला मैं आपको ये एक मिनिस्ट्री मीडिया है जिसने इसको कवर किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरा अखबार ने यहाँ पर कवर किया गया है, यहाँ पर ये जो गुरुग्राम के हैं गुरुग्राम के द्वारा मतलब गुरुग्राम में से ये अपडेट निकल के आ रही है और इसमें देख सकते हैं आप पीएमओ कार्यालय पर 27 को करेंगे रैली और ये गुरुग्राम का जो ब्रांच है ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा ये अपडेट यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईपीएस पेंशनर्स का जो है और 15 मार्च को विभिन्न राज्य विभिन्न क्षेत्रों में रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। उक्त जानकारी पूर्व केंद्रीय कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रेस वार्ता
में आयोजित कर दी। और समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि 63 साल पेंशनरों व उनके परिवार से यह मुद्दा जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार से कई वर्षों से मांग की जा रही है कि कर्मचारी की पेंशन की वृद्धि की जाए ताकि वे वृद्धावस्था में अपना जीवन सही रूप से जी सकें, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। संस्था को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री के आश्वासन पर उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया था, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। भिंड जिले में गत 1 माह से भूख हड़ताल पर आयोजन चल रहा है। पीड़ित अर्धनग्न व मुंडन कराकर सांसदों और उनके कार्यालयों पर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। तो ये एक अपडेट था, एक प्रमुख अखबार में छपी थी। उसके बाद आप देख सकते हो कि पीएमओ कार्यालय पर 27 को रैली करेंगे पेंशन धारक, मांग न मानने पर 15, आगामी 15 मार्च को भी होगा रेल रोको आंदोलन। तो आप देख सकते हो, मैं आपको कई पेपर्स के जो कटिंग्स हैं वो भी दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको पूरा अपडेट देने वाला है दोस्तों, जो भी अभी तक घटनाक्रम घटा हुआ है और आने वाले जो भी अपडेट निकल के आते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हो, ये भी गुड़गांव से है, गुड़गांव ब्रांच का ईपीएस जो पेंशन धारक द्वारा दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो। अगला आप देखते हैं, नई दिल्ली से देखिए आ रहा है, पेंशनर 27 को रैली निकालेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के EPS 95 योजना के अंतर्गत पेंशन धारक अपनी मांगों को लेकर 27 फरवरी को जंतर मंतर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ कवर किया गया है, आप देख सकते हो। EPS 95 पेंशनर्स के लिए एक चीज़ कवर किया गया है, आप देख सकते हैं। अब अगला आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर आ रहा है अपडेट। अगला अपडेट जो आपको बता दें कि यहाँ पर है राष्ट्रीय संघर्ष समिति बुलनाड़ा दिल्ली टीम, विनोद कुमार वर्मा जी की अगुवाई में कार्य अध्यक्ष दिल्ली विजय बड़गुजर, प्रदीप श्रीवास्तव जी, हरिश्चंद्र जी, ओबराय जी, स्कॉट सीतारमण, चंडीगढ़ ने ईपीएस पेंशनर्स का डिमांड पत्र सीबीटी मेंबर्स को दिया गया है। और ये जो है सौंपा, उपरोक्त चारों सीबीटी में केवल एक से मुलाकात हो पाई, उनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही से मुलाकात हो पाई है, उनसे काफ़ी देर तक चर्चा हुई, बाकी सी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण डिमांड पत्र कार्यालय में दे दिया गया है। और सभी से अनुरोध किया गया कि ईपीएस पेंशनर्स के दिमाग में सीबीटी मेंबर्स जो है सीबीटी की मीटिंग में टॉप प्रायोरिटी पर रखे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है अपनी डिमांड ईपीएस पेंशनर द्वारा दिया गया है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर सीबीटी मेंबर्स को, हालांकि उस पर सारे जो सीबीटी मेंबर्स थे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, सिर्फ एक लोगों से मुलाकात हो पाई, बट उन्हें ईपीएस पेंशनर्स अपनी जो है मांग पत्र जो है यहाँ पर सौंप दिए हैं। और आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, इसके बाद जो अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हालांकि पूरा इसमें मैंने आपको जो अभी तक नेशनल मीडिया और जो अभी तक का अपडेट था वो इस वीडियो के माध्यम से हमने कवर करने की कोशिश की है। और मैं आपको कुछ इस पे और भी बता देता हूँ जो कि अभी तक का है। ईपीएस पेंशनर जो पेंशन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने जानकारी देते हुए बताया था कि ये करीब 31 जनवरी 2019 को संपन्न हुए ईपीएस पेंशनर संघर्ष समिति के केंद्रीय कार्यकारी जो कार्यालय कार्यकारी आपातकालीन बैठक में ये निर्णय लिया गया है। और इसमें करीब 16 राज्यों के 250 से अधिक जो प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जो कार्यकारी की बैठक हुई थी। और कार्यकारी के लिए लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में कुछ में मांग की गई थी कि जो 3,000 रुपये का जो पेंशन, कुछ जो ईपीएस पेंशनर्स की मांग कर रहे हैं 3,000 रुपये का, उनका पूरी तरह से ईपीएस पेंशनर्स द्वारा बाइकआउट किया जाएगा, मतलब उन्हें पूरी तरह से हटाया जाएगा। और जो भी अपडेट निकल के आएगा, मतलब जो आप बाकी जो 7,500 का मांग कर रहे हैं उन्हें साथ में लेके ईपीएस पेंशनर जो अपनी मांगों के साथ आगे बढ़ेंगे। और आगामी सीबीटी बैठक में मुख्य मांगों के समाधान के लिए प्रस्ताव रखने के लिए जिम्मेदार बनाना है। मांगों की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक एनएससी द्वारा कदम उठाया जा सकता है। अशोक राउत ने बताया कि हमारे लाखों खत आंदोलन, अनेक मंत्री और तथा सांसदों के साथ वार्तालाप के बाद भी सरकार ने आज तक EPS 95 पेंशनर्स के पेंशन के बारे में उचित निर्णय नहीं लिया। अगर हमारी तरफ सरकार का ध्यान देने में असफल रहती है तो हम सरकार को आने वाले चुनाव में हराने तक की ताकत रखते हैं। राउत के मुताबिक अखिल भारतीय EPS 95 पेंशनर संघर्ष समिति के तहत लाखों पेंशनर ने अपनी मांगों को के समर्थन में गणतंत्र दिवस पर सामूहिक भूख हड़ताल भी की थी। यह आंदोलन देश भर के सभी जिलों में आयोजित किया गया था। इससे पहले पेंशनर सामूहिक आत्मदाह का आंदोलन श्रम मंत्री संतोष कुमार द्वारा दिए गए मांगों को पूरा करने के ठोस आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया था। राउत ने बताया कि श्रम मंत्री के आश्वासन की पूर्ति न होने पर 24 दिसंबर 2018 से महाराष्ट्र के बुलनाड़ा में
पेंशनर्स धारकों ने 24 दिसंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू भी कर दी है, और जो कि 23 जनवरी से आमरण अनशन में बदल दी गई थी, और अभी भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जो है जारी है। पेंशन धारक इतने पेंशन में इतने परेशान हैं कि अर्धनग्न होकर अब प्रदर्शन करने के अलावा सांसदों के घरों और दफ्तरों का घेराव भी कर चुके हैं। पेंशनर मुंडन करवाकर भिक्षा मांगने की अब भी अपना विरोध जो है जता चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक के सिनारियों में ये EPS 95 पेंशन की जो है लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही थी, और हालांकि इसके बाद अभी जो भी अपडेट निकल के आता है सबसे पहले हम आपको सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ लेके आते रहते हैं, और फिर दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट निकल के आता है हम आपको सबसे अभी तक का ये सबसे बड़ा अपडेट था। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट निकल के आता है EPS पेंशन का हम सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ आपके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।